लेते हैं एक और प्रॉब्लम CSIR NET दिसंबर 2018 से काइनेटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोला गया है ओजोन का डिकम्पोजिशन दिया गया है, जिसके लिए स्टेप कुछ इस प्रकार से बताया गया है। इसमें पहला देख सकते हैं K1 स्टेप, मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये ओजोन का डिकम्पोजिशन बता रहा है, जबकि अगर रिवर्स देखते हैं जो इसके लिए यहाँ पर K-1 दिखाया है वो ओजोन का फॉर्मेशन स्टेप है, ठीक। और दूसरा ये पहला और दूसरा करके दिया गया है। दूसरा इसमें एक और देख सकते हैं, तो ये बताया गया है ओजोन फिर से यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है और इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है, ठीक। इसमें बोला गया है इफ K-1O2 अगर छोटा है इससे कंडीशन से, तो ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले इसके लिए तो रेट लॉ निकालना पड़ेगा अपने को, रेट लॉ के हिसाब से अनुसार से ही हम और इस रिएक्शन को ऑर्डर बता सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, इसके लिए रेट लॉ निकालेंगे हम। तो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड इसमें देखते हैं, तो पहला वाला स्टेप का फॉरवर्ड रिएक्शन ओजोन डिकम्पोजिशन का है और रिवर्स फॉर्मेशन का है, तो इसके हिसाब से हम रेट बताएंगे। तो क्या बताएंगे, R इज इक्वल टू डी ओ थ्री और ये हो जाएगा DT, ठीक। इसी प्रकार से इसके लिए हम रेट लॉ देंगे। इसके लिए हम बता सकते हैं फॉरवर्ड ये क्या है, डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, ओजोन का, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस ले रहा हूँ और ये हो जाएगा ओ थ्री। और इसमें देखते हैं तो रिवर्स क्या है, फॉर्मेशन में है, तो ये ले रहा हूँ मैं पॉजिटिव में, ये -1 और ये हो जाएगा यहाँ पर O2 और O, ठीक, ये O। और दूसरा इसमें फिर से देखते हैं ये वाला स्टेप में, तो ओजोन फिर से क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो फिर से यहाँ पर मैं इसको माइनस ले रहा हूँ, ये स्टेप है K2 का और ये हो जाएगा O3 और O, O3 और ये आ जाएगा O, ठीक। आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम अभी क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं फिर से इस पर बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बीच में इंटरमीडिएट के रूप में आया है, शॉर्ट लाइफ में रहेगा, शॉर्ट इसका लाइफ बहुत कम रहता है, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि इसको इस फॉर्मूला से हम इस जो रिलेशन है उससे हम नेग्लेक्ट कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो रेट बनेगा ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये आ जाएगा इसके लिए K1। अब सीधा सीधा यहाँ से निकालना है, ये बन रहा है पहला वाला स्टेप में, तो ये K1 स्टेप में बन रहा है, ये आ जाएगा K1O3 ये वाला स्टेप में ये बन रहा है, फिर रिवर्स वाले में माइनस हो रहा है, ये घट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, मतलब डिसअपेयर हो रहा है, तो ये माइनस स्टेप में आ जाएगा, ये आ जाएगा O2 और O, ठीक, यहाँ से ये डिसअपियर हो गया, ठीक। यहाँ पर देखते हैं तो फिर से ये क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो ये वाला स्टेप भी माइनस हो जाएगा K2 और इस पर आ जाएगा O3 और ये आ जाएगा O, ठीक। यहाँ से हम O का वैल्यू निकाल लेते हैं इस प्रकार से इसके लिए दे सकते हैं। तो O का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये सभी में बटा बटा लग जाएगा और बोल सकते हैं, तो इस पर हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का रूल लागू कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का रूल लागू करने पर यह हो जाएगा, इसके स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन रूल लगाते हैं तो टोटल इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो यहाँ पर जीरो ले लेते हैं ये वाले स्टेप में, ये हो जाएगा O3 माइनस K-1 और ये O2 O-K2 O3 O इज इक्वल टू जीरो, ये स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को रूल पे आ गया। माइनस को एक साइड ले जाते हैं और बाकी इधर को एक साइड में रखते हैं, O3 इज इक्वल टू K-1 O2 O और ये हो जाएगा प्लस K2 O3 O, ठीक। यहाँ से O का वैल्यू निकाल लेते हैं, O का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इधर मैं फिर एक स्टेप और लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा O2 यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा K2O3, दोनों से मैं O को कॉमन निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा O, ठीक। ये पूरा इधर बटा में चला जाएगा, O का वैल्यू निकालेंगे तो ये K1 और ये हो जाएगा O3 और ये K-1 O2 प्लस K2O3, इतना मिल जाएगा अपने को O के बराबर, ठीक। इसको रिलेशन सेकंड कर लेते हैं और इस सेकंड रिलेशन से हम फर्स्ट रिलेशन पर जाते हैं और देखते हैं क्या मिलता है।
ठीक, तो इसमें पहला रिलेशन में इसका वैल्यू रखते हैं तो आर इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू यहाँ से लेते हैं ये जो पहला रिलेशन देखे हैं तो ये मिल जाएगा अपने को, पहला रिलेशन से लेते हुए चलते हैं, ये आएगा के वन और हो जाएगा ओ थ्री प्लस यहाँ से के माइनस वन ओ टू, और ओ का वैल्यू ये वाला रखेंगे हम अब, तो ये के और माइनस मैं यहीं पर रख देता हूँ के वन एक स्टेप में, फिर अगले बार में अरेंज कर लेंगे इसको, के माइनस वन ओ टू प्लस के टू ओ थ्री ये हो गया, यहाँ पर ओ वैल्यू फिर माइनस में के टू और ओ थ्री, और फिर यहाँ पर जो ओ है उसका फिर से यहाँ पर मैं रखता हूँ यही वैल्यू को, ये आ जाएगा के वन ओ थ्री डिवाइड बाई के माइनस वन ओ टू प्लस के टू ओ थ्री। ठीक, ये इतना वैल्यू यहाँ पर हो गया। फिर से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों जो डिनोमिनेटर है इसको कॉमन ले लेंगे, एलसीएम निकालेंगे या कॉमन लेकर जैसा भी इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर ये जो अपने को फॉर्मूला मिलेगा फाइनली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको क्या करेंगे एलसीएम या डिनोमिनेटर को कॉमन लेकर एलसीएम निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर ये सब वैल्यू रखते हुए जाएंगे, तो वैल्यू रखेंगे मैं बीच का स्टेप छोड़ रहा हूँ, वीडियो लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर आर वैल्यू मिल जाएगा के वन के टू और यहाँ पर आ जाएगा ओजोन स्क्वायर ओ थ्री का स्क्वायर और ये आ जाएगा के माइनस वन ओ टू प्लस के टू और आ जाएगा ओ थ्री। ये इतना इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू अपने को मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर कंडीशन लगाते हुए चलते हैं। पहला कंडीशन हम लगा देते हैं कि अगर के वन ये जो के माइनस वन ओ टू ये वाला वैल्यू छोटा हो किससे, के टू ओ थ्री से। ठीक, पहला वाला कंडीशन लगाते हैं ये के माइनस वन ओ टू ये छोटा है, कौन ये वाला वैल्यू बहुत छोटा है, जो कि अपने को प्रॉब्लम में पूछा भी गया है के माइनस वन ओ टू बहुत छोटा है के टू ओ थ्री से, यहीं पर से रिलेशन बनता है इसका यहाँ से। तो अगर इसको इस प्रकार से कंडीशन लगाते हैं तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, टू के वन के टू ओ थ्री का स्क्वायर और यहाँ पर ये नेगलेक्ट होकर ये सिर्फ ये इसको लेना है तो के टू और ओ थ्री। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं ओ थ्री का स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ ओ थ्री है, एक को काटेगा तो यहाँ पर मैं इतना को पूरा कांस्टेंट ले लेता हूँ के, तो ये बच जाएगा ओ थ्री, सिर्फ इतना बचेगा, एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट लॉस से अपने को क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये ऑर्डर में क्या आ रहा है, इसका पावर में वन है अर्थात ये ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर वन। ठीक, अगर इसी को दूसरा कंडीशन ले लेते के माइनस वन ओ टू, इसको हम बड़ा कर देते किससे, के टू ओ थ्री से, तो यहाँ पर अब किसको नेगलेक्ट करते, इसको नेगलेक्ट करते तो इसमें जो आंसर मिलता अपने को के वन के टू डिवाइड बाई के वन ओ टू और ऊपर में ये रहेगा ओ थ्री का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, ऑर्डर में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा और यहाँ पर ऑर्डर वन में आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पहला कंडीशन लिया हूँ वो वाला क्वेश्चन, यहाँ पर कंडीशन दिया गया है तो इसका आंसर जो क्या मिल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर जो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर में ऑप्शन में बी नंबर या दूसरा नंबर का ऑप्शन है, ऑप्शन वन आएगा यहाँ पर, वन फर्स्ट ऑर्डर का ये रिएक्शन है इसलिए ऑप्शन ये रहेगा। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं काइनेटिक बेस पर, एक और क्वेश्चन जो दिया गया है ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम में क्या दिया गया है देखते हैं, बोला है इसमें एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक, के यूनिमोलिकुलर ये रेट कांस्टेंट दिया है, इफेक्टिव फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और दिया हुआ इस टाइप से यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए स्टेप। ठीक, और यहाँ पर बोला है कि द स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द प्लॉट ऑफ वन बाई के जो कि यूनिमोलिकुलर रहेगा वर्सेस
वन बाई एम जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, आर इतना वैल्यू दिया है स्लोप के लिए और ये वैल्यू दिया है इंटरसेप्ट के लिए, ठीक। और पूछा गया है के माइनस वन बाई के टू का वैल्यू क्या होगा, ठीक। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए फिर से अपने को रेट लॉ जानना पड़ेगा। रेट लॉ जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए रेट लॉ बना लेते हैं पहले। आर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये रेट लॉ बनाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है, डी बाई डी टी, ठीक। या तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ये पॉजिटिव में डी और ये पी हो जाएगा बाई डी टी, या तो बोला जा सकता है यहाँ पर ये देखते हैं ये क्या हो रहा है, यही इसमें चेंज हो रहा है तो इसके लिए ये भी बोला जा सकता है। सॉरी यहाँ पर ये सब चीज़ को छोड़ दिया, मैं कांस्टेंट को छोड़ दिया हूँ, यहाँ पर आएगा कांस्टेंट क्योंकि बीच वाले स्टेप में है के टू, ये के टू और ये हो जाएगा ए कंजुगेट का, ठीक। ये इस टाइप से बनाया जा सकता है, रेट कांस्टेंट ये तो डिसअपियर ए का दूसरा ये बनेगा, या तो फिर यही इसमें चेंज हो रहा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक। तो इसको निकाल लेते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर इजिली निकाला जा सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट को स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से, ठीक। तो स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो ट्रांजिट स्टेट, यहाँ पर ये जो ट्रांजिट स्टेट मिला हुआ है इंटरमीडिएट जिसका लाइफ बहुत कम होगा, शॉर्ट लाइफ का होगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इसका वैल्यू क्या होगा ताकि यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर सकें और इसका वैल्यू निकाल सके किसका, रेट का, ठीक। तो यहाँ पर स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन रूल लागू करके इसको निकाला जा सकता है। तो पहले सबसे शुरू इसके लिए लिख लेते हैं एक कंडीशन क्या है यहाँ पर टोटल ट्रांजिट स्टेट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं के वन में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ इसको और ये हो जाएगा ए और एम, ठीक। यहाँ पर ये वाला स्टेप में फॉरवर्ड में बन रहा है ये, तो यहाँ से ए और एम, ठीक, पॉजिटिव। दूसरा अगर रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर डिसअपीयर हो रहा है, माइनस कर देता हूँ इसको मैं, माइनस के वन और ये हो जाएगा, ये डिसअपीयर हो रहा है तो ये हो जाएगा ए स्टार और ये हो जाएगा एम, ठीक। ये दोनों डिसअपीयर हुआ, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी डिसअपीयर हो रहा है तो ये हो जाएगा के टू स्टेप में भी डिसअपीयर हो रहा है ए स्टार, ठीक। इसको हम कर देंगे जीरो के बराबर स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से, ठीक, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन रूल लगाकर इसको जीरो कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको एक साइड और पॉजिटिव को एक साइड रख लेते हैं, के वन ए एम इज इक्वल टू के माइनस वन ए स्टार एम और ये हो जाएगा के टू ए स्टार, ठीक। ये हो जाएगा ए का वैल्यू यहाँ से कॉमन लेके निकाल लेते हैं, एक स्टेप में फिर से यहाँ पर कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा एम और प्लस के टू और सब का कॉमन हो जाएगा ए स्टार, ठीक। यहाँ पर ए स्टार का वैल्यू मिल जाएगा अपने को, इसका बटा कर देंगे के वन ए और ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा माइनस वन एम प्लस के टू, ठीक। ये इतना ए स्टार का वैल्यू मिला, ठीक। अब यहाँ पर रखते हैं आर बराबर, जो कि ये वाला स्टेप देख सकते हैं, यहाँ पर ए स्टार का वैल्यू रख सकते हैं, आर इज इक्वल टू मिल जाएगा के टू और इधर इसके ए के जगह में रखेंगे अब के के वन और ये हो जाएगा, सब इसी वैल्यू को रखते हैं अब एम डिवाइड बाय के माइनस वन एम और प्लस के टू, ठीक, इतना रख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, ये एम को मैं इस साइड रख रहा हूँ और ए को इस साइड रख रहा हूँ, ठीक, सेम है। अब यहाँ पर देखते हैं ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है ना, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या है अपना रिएक्टेंट है, इसी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर वन होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं ये ए क्या है अपना रिएक्टेंट है और इसी के रेस्पेक्ट में अपना ऑर्डर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो पोर्शन इतना जो दिख रहा है ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म में चला जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर के यूनि मोलिकुलर के लिए कांस्टेंट लेना, ठीक। तो अब ये टर्म के किस टर्म पर हो जाएगा, रेट के लिए हम इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक, यूनि इसके रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ऑर्डर वन होना चाहिए, बाकी सब क्या चल जाएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू में चला जाएगा। तो ये इतना वैल्यू क्या चला जाएगा, के यूनिक मॉलिकुलर रिएक्शन कांस्टेंट चला जाएगा, जो कि अपने प्रॉब्लम में बोला गया के यूनि मॉलिकुलर, ठीक, उसी के रेस्पेक्ट में अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये वाला वैल्यू क्या बन रहा है,
यूनिमोलिकुलर के लिए, ठीक। तो इसके बराबर इतना ले लेता हूं मैं, के यूनिमोलिकुलर इज इक्वल टू सॉरी के टू के वन, और ये हो जाएगा एम डिवाइड बाई के माइनस वन, और ये हो जाएगा एम प्लस के टू, ठीक। इतना बोला गया है। अब अपने को ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला गया है के यूनी वर्सेस वन बाई एम, इसके वर्सेस ग्राफ बनाना है, जिसके लिए अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्लोप इंटरसेप्ट ये सब मिलने वाला है। तो इसको इस टाइप से रिलेशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पूरा इसको उलट दूंगा रिलेशन को। तो ये हो जाएगा के यूनी इज इक्वल टू नीचे वाला टर्म ऊपर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देता हूँ और न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर बना देता हूँ। ये पॉजिटिव टर्म है, दो बार मैं इसको लिख लेता हूँ, सीधा सीधा अलग कर देता हूँ, चलो एक बार रहने देता हूँ, फिर अगले टर्म में अगले स्टेप में अलग कर दूंगा, ठीक। ये इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको मैं किस टाइप से लिखूंगा, अब ये हो जाएगा के माइनस वन एम, ये इतना को बटा इसका क्या हो जाएगा के टू के वन और एम, ठीक। ये बटा प्लस ये हो जाएगा के टू और उसका बटा आ जाएगा के टू के वन और एम, ठीक यही मिलेगा। अपने को ग्राफ बनाना है किसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, इसको मैं वन बटा कर सकता हूँ, तो इसके बीच में अपने को ग्राफ बनाना है, इसके और इसके बीच में, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स और ये हो जाएगा सी, ठीक। वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, जो ग्राफ के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए समीकरण देते हैं, इक्वेशन देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक्स एक वाई वर्सेस एक्स लेते हैं, तो ये अपने को क्या बताएगा, अब ये वाला पॉइंट अब स्लोप बताएगा, क्या बताएगा, ये हो जाएगा स्लोप, और ये वाला टर्म क्या बताएगा, ये सीधा सीधा यहाँ से देखते हैं, ये एम और एम कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये सिर्फ इतना ही बचेगा इसमें, ये वाला टर्म क्या बताएगा अपने को, इंटरसेप्ट बता रहा है। अब प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो ये इंटरसेप्ट और ये स्लोप, ठीक, कैसे कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं फिर से आगे सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक स्टेप इसको और सॉल्व कर लेते हैं ताकि पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। ये यूनिमोलिकुलर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एम और एम को कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक, तो यहाँ पर बचेगा वन बाई के माइनस वन और के टू के वन, ठीक, प्लस यहाँ पर के टू और के टू कैंसिल होगा, तो ये बचेगा वन बाई के वन और वन बाई एम, इतना बचेगा। अब यहाँ से ले लेते हैं ये, इस यहाँ से इसके इसके बीच ये अपना स्लोप बनेगा और ये अपना इंटरसेप्ट बनेगा, ठीक। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, इंटरसेप्ट और स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से देखते हैं ये वाले टर्म से, ये वाले से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा वैल्यू निकाल सकते हैं, के माइनस वन डिवाइड बाई के टू, यही पूछा गया है क्वेश्चन में, और यहीं पर वन बाई के वन है, ठीक, यहाँ से देख सकते हैं वन बाई के वन है, यहाँ पर बराबर इतना का बराबर दिया हुआ है, स्लोप का वैल्यू दिया, सॉरी ये क्या है, इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया है 8 × 10⁻¹, इतना दिया है इंटरसेप्ट का वैल्यू, और वन बाई के क्या है, यहाँ पर स्लोप है, यहाँ से देख सकते हैं वन बाई के क्या है, के वन स्लोप है, और वन बाई के वन यहाँ पर भी मिल रहा है, तो स्लोप के जगह में हम क्या रखेंगे, मतलब वन बाई के जगह में हम रख देते हैं यहाँ पर स्लोप का वैल्यू, और स्लोप का वैल्यू दिया है 4 × 10⁶ इज इक्वल टू 8 × 10⁻¹ के माइनस वन बाई के टू का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻¹ 4 × 10⁻¹। सॉल्व कर लेंगे, 4 × 1 = 4, 2 = और ये हो जाएगा इसमें से माइनस किया तो ये 5, ठीक, तो 2 × 10⁵ इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन। आई होप क्लियरली समझ में आया होगा, कहीं पर अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, थैंक यू।